स्वागत है आपका उस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज का ये जो कार्यक्रम है इसका विषय बहुत रुचिकर है। एक पुस्तक अभी मैं पढ़ रहा हूँ और उस पुस्तक में एक बड़ी सुंदर स्थापना है। उस पुस्तक की लेखिका जानी मानी लेखिका हैं, कहानीकार हैं। उन्होंने उस पुस्तक में एक पात्र के जरिए जो दिखने में सुदर्शन नहीं है, अपने कुल की परंपरा के हिसाब से यश कीर्ति और ख्याति भी अर्जित नहीं कर पाया, एक व्यापारी परिवार से आने के बाद भी उसने बस कंडक्टरी की, वो अपने माता पिता और अपने भाई बहनों की तुलना में जिसे आप कहते हैं कि सुंदर भी नहीं रहा और अनाकर्षक शब्द यानी जो आकर्षक नहीं है उस श्रेणी में रहा। तो उसको एक बार एक श्रमिक मिलता है और वो कहता है वो भी काफ़ी दिखने में बहुत अनाकर्षक रहा। तो वो उसको समझाता है कि जीवन में भूलने का एक बटन ईश्वर ने हमको दिया है और भूलने का ये बटन दबाया करो, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, जब लोग तुम्हें परेशान करें ये कहते हुए कि तुम्हारा रंग कैसा है, तुम्हारी आँखें कैसी हैं, तुम्हारे माता पिता तो बहुत सुंदर हैं, तुम क्यों ना हुए, तो उस भूलने के बटन को दबा दिया करो और चेहरे पर मुस्कुराहट अपने आप आ जाएगी। इसका अभ्यास करते करते उसने ऐसा कर लिया। कई जगह वो पीड़ा से गुजरता भी है लेकिन कई जगह अपने इसी भूलने वाले बटन की वजह से तुरंत निकल जाता है। कई बार ये अफसोस का और न चीज़ों को न भूल पाने का पुलिंदा, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो कह ही गए कि क्रोध जो है वो बैर जो है वो मुरब्बा है क्रोध का, यानी कि हम कितने स्मृति जीवी हैं। कभी मैं बहुत सुंदर दिखता था, 25 साल पुरानी फोटो आप फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं कि पहले तो मैं ऐसा दिखता था। आप किसी और को बताने के बजाय स्वयं को ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी जटिलताएं हैं इसमें। स्मृति जीवी होना और ख़ास तौर से अच्छी स्मृतियां जो नहीं हैं उनको अपनी पीठ पर लाद कर चलना उतना ही यंत्रणादायक है जितना कभी ईसा मसीह के लिए हमने देखा कि उनकी पीठ पर सलीब थी, जिसे यातनाओं की सलीब हम कह सकते हैं। तो ये क्यों चलते हैं हम यातनाओं की सलीब अपनी ही पीठ पर लेकर? क्यों वो थैलियां लेते हैं जो कांटों से भरी हैं, हमारी पीठ को छील रही हैं लेकिन लदी हैं हमारी पीठों पर, बरसों लदी हैं? कानपुर वाली बुआ जी ने जो अपमान किया था शादी में, मैं आज तक नहीं भूला हूँ। अरे भैया, कहाँ कानपुर, कहाँ कानपुर वाली बुआ जी, जानेंगे आज इसी विषय पर कि विस्मृति का भी कोई बटन अगर ईश्वर हमें देता कि ऑल डिलीट, तो सारा जीवन से इस तरह की खराब स्मृतियों का पुंज डिलीट हो गया। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, प्रणाम करता हूँ। आप विषय आपके सम्मुख है। आप आज बड़ा सुंदर विषय लेकर आए हैं और उस विषय की सार्थकता आपने अपने शब्दों की मीमांसा करते समय ही कह दी जी। अतुलनीय की तुलना नहीं होती। वाह, ठीक बात है। जब अतुलनीय अपनी तुलना करने लग जाता है तो फिर वो एक अनावश्यक माया जंजाल में फंस जाता है और वहाँ उसके अंतरचित्त में क्षोभ दुख ही प्राप्त होता है। अतुलनीय जी, संसार में जितने भी प्रकार के तन हैं, उस ऊपर वाले की कारीगरी देखिए आप, जितने भी प्रकार के तन हैं उन तन में शायद एक रूपता हो सकती है रंग के आधार पर, या कभी हम कह सकते हैं अरे उनकी इसकी नाक उसके जैसे होती है, इसका उसका चेहरा उसके जैसा दिखता है। दो व्यक्ति भी ऐसे मिल सकते हैं, अधिक व्यक्ति भी मिल सकते हैं जो एक जैसा दिखें, लेकिन मन तो सबका अलग अलग होता है ना। जितने भी लोग मिलेंगे उनके मन पृथक पृथक होंगे, अलग होंगे, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अतुलनीय है क्योंकि उसके पास एक उसका अपना मन है। अब चूंकि उस अपने मन में वो तुलना लेकर आ जाता है जो उसके मन से दूसरे के मन की तुलना हो ही नहीं सकते। एक मन की तुलना तन की तुलना तो हो सकती है, मन की तुलना तो किसी और से नहीं हो सकती। तो ये मन के जो विकार हैं ये ऐसे अवसरों का फायदा उठाते हैं, जो हमारे मन में जो ये विकार हैं अपना संतुलन ऐसे समय परीक होते हैं जब आप आईना देखते समय अपने स्वरूप को रूप को देखकर खुश हो जाते हैं तो आपका मन तृप्त रहता है। लेकिन जैसे ही आप याद करते हैं कि मेरी जुल्फें वैसी नहीं है, मेरे नाक वैसे नहीं है, मेरी आँख उसकी तरह नहीं है,
वैसे ही आपके अंतर चित्त में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। तो सारा क्षोभ तो तुलना से उत्पन्न होता है ना, किसी का स्वरूप रूप कैसा है, रंग कैसा है, इसका प्रभाव बहिर इंद्रियों के आधार पर उत्पन्न होता है। एक बहुत काला व्यक्ति भी अपनी प्रेमिका को बहुत सुंदर स्वरूप में दिखाई पड़ता है। एक आंख का व्यक्ति भी दर्पण देखते समय अपने आप को बड़ा स्वरूपवान मानकर चलता है, क्योंकि अगर उसके अंतर चित्त में इस बात का विश्वास है कि ऊपर वाले ने जो भी स्वरूप मुझे बनाया है ये तो शरीर का है, मेरे अंदर का स्वरूप थोड़ी है, मेरे अंदर का स्वरूप तो अत्यंत सुंदर है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास वाणी है, मेरे पास श्रवण शक्ति है, मेरे पास हाथ है, मेरे पास सोचने के लिए मस्तिष्क है। तो वो इन 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 तथ्यों का उपयोग वो नहीं करता। आप ध्यान रखिए, कुरूपता से परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं अगर आपका स्वरूप अच्छा है। वाह, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी। परमात्मा कुरूपता से बड़े प्रसन्न होते हैं। मंथरा बनकर आई थी त्रेता युग में, मंथरा थी, मंथरा भी कुबड़ी थी, उसे कुबड़ी के रूप में बुलाते थे, बड़ी कुरूपवान थी। ध्यान रखिएगा, उसका रूप भी कुरूप था और उसका कर्म भी कुरूप था जी, इसलिए उसका स्वरूप नहीं बन पाया। जब परमात्मा साकेत धाम जाने लगे, मंथरा भी आई, बोले बोल माँ तुझे क्या दूँ। बोले प्रभु और मेरी मुक्ति कब होगी। अरे बोले तू तो मेरी प्रेयसी बनेगी, तूने तो इतना सुंदर काम किया कि तेरे काम के कारण ही तो मैं रावण मार कर आया हूँ माँ, अगर तूने ये काम नहीं किया होता तुमने ये क्यों सोचा। बहुत बार हम लोगों के कर्मों की अनुकूलता और प्रतिकूलता का निर्णय स्वयं करते रहते हैं, हम बैठ कर तय कर देते हैं। बड़ा गहरा सूत्र है कि वो कैकेयी का यहाँ पर गलत काम हो गया, यहाँ पर जो है वो रावण ने गलत कर दिया, यहाँ पर जो है देखो राम ने गलत कर। हम तो किसी की भी गलती निकालने में कितना समय लगता है। वो भिक्षता किम न करोति पापम क्षणान निष्करणा भवन्ति, खाली दिमाग सैताल का। तो जैसे ही आप ऐसे मस्तिष्क में होते हैं तो आप परम विद्वान हो जाते हैं ना। आप देखिए, संसार की प्रतिकूलता का चिंतन हर आदमी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अपढ़ हो, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो कुरूप हो। तुरंत आप उसे कहिए, बताइए आप अपनी विचारधारा, सबसे पहले वही कहेगा कि पड़ोसी देखो आप साथ। आपकी बात पे एक बड़ा सुंदर छोटा सा एक दृष्टांत है, आचार्य नंद दुलारे बोस। अब उनके हाथ को किसी ज्योतिष ने देखा बचपन में तो कहा कि तो बड़ा अभागा है रे, तेरे हाथ में तो शिक्षा की रेखा ही नहीं है। बालक के मन में बड़ी इच्छा थी तो उसने जाकर कहीं से चाकू से पता किया ज्योतिष महोदय से कि रेखा कहाँ होती है। उन्होंने कहा यहाँ होती है, लेकिन तेरे हाथ में अस्पष्ट और बिल्कुल ही नहीं है, नगण्य है। तो उस बालक ने चाकू से अपनी स्मृति से काट लिया अपना हाथ कि मैं गढ़ तो लूँ रेखा को। लेकिन रेखा, वो ज्योतिषी महोदय नेगेटिव नहीं थे साहब, वो पॉजिटिव थे। दरअसल ये हमारा मन है जो अनुकूल प्रतिकूल में बांट लेता है। तो इसी मन से स्वरूप का निर्माण होता है। आप देखिए, कैकेयी जो है, मंथरा जो है, उसने एक लंबी यात्रा की जी, फिर वो पहुंची कंस के यहाँ। कंस के यहाँ भी वो कुबड़ी है, कंस के यहाँ भी वो सेवाधारी है, कंस के यहाँ भी वो उन्हीं प्रपंचों को भोग रही है। जब कन्हैया सबसे पहली बार मथुरा पहुंचे तो मथुरा में प्रवेश करते ही वो श्रृंगार की सामग्री लिए हुए कंस के दरबार में जाते हुए वो कुब्जा उनको दिखाई पड़ गई। हाँ। जैसे ही उसे कन्हैया ने देखा तो कन्हैया को ऐसा देखते हुए वो निकल रही है। ध्यान रखिएगा, उसका रूप अच्छा नहीं है, उसका रूप अच्छा नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप बहुत सुंदर है। जैसे ही वो निकलती है तो कन्हैया पीछे से हाथ पकड़ते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है, पीछे से हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ कर खींचते हुए कहते हैं, अरे सुंदरी तू कहाँ जा रही है। तो जैसे ही वो अरे सुंदरी कहते हैं तो उसके आंखों से जो है अश्रुपात होने लगता है कि ये कौन प्राणी है जो मेरे अंदर सुंदरता देख रहा है। मुझे तो लोग पत्थर मारते हैं, उलाहना देते हैं, लेकिन ये कौन प्राणी है। और मेरे कन्हैया दो उंगलियों से उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाकर उसको सर्वांग सुंदरी का स्वरूप बना देते हैं। वो कन्हैया की कृपा है। लेकिन आप ध्यान रखिए, जो लोग भी अपने रूप पर, अपने कुरूप होने पर, तथा कथित कुरूप, संसार में कोई कुरूप कोई नहीं है, ध्यान रखिए, परमात्मा उनके हृदय में बहुत सुंदर बसता है। शबरी का तो सुंदर स्वरूप था, शबरी ने जो है उस रूप को तिलांजल दे दिया।
सर्वांग सुंदरी थी शबरी, लेकिन वो सेवा करते करते इतनी वृद्ध हो गई कि वो भी झुक गई। उसको प्रतीक्षा है किसकी, वो जो उसके रूप की प्रशंसा करने आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपके अंतर आप अतुलनीय हैं अपने चिंतन में। दूसरा, मैंने पूर्व चिंतन में भी आपके साथ कई बार ये कहा था कि परमात्मा ने एक सुंदर सा यंत्र हमारे अंतरचित्त में स्थापित किया है, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं कि क्या बुरा कर रहे हैं। वो यंत्र हमें तुरंत बताता है, तुरंत। और चूंकि वो भीतर फिट है हमारे अंदर, अंदर निहित है वो, तो अंदर से उसकी ध्वनियां आती हैं हमारे पास में। आप कुछ भी गलत करिए, जब आप बहुत अच्छा करते हैं तो लोग बाहर से भले चाहे उसको बुरा कहते रहते हो, आपके मन में एक तृप्ति का संचार होते रहता है भीतर में। तो आप भूतकाले भूतस्या वर्तमाने वर्तते भविष्यकाले भविष्यन्ति किं चिन्तां करिष्यति। आप वर्तते क्यों नहीं रहते, बीतीता ही विसार दे आगे की सुध ले। तो हमारी एक आदत है कि हम रुक जा, तुम्हारे रुकने से काल नहीं रुका हुआ है, तुम रुक गए हो, काल थोड़ी रुका हुआ है, काल तो चल रहा है ना। तो जितने तुम रुकोगे उतना बोझ लग तुम्हारे शरीर के पीछे चिपक जाएगा, जिस बोझ की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बोझ उन्हीं के ऊपर होता है। आप ध्यान रखिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पल रहे होएगा बहुरी करेगा कब, ये कबीर कह गए। क्यों ऐसा कहा, वो जितना तुम्हारा छूटा हुआ है वो बोझ है तुम्हारे पास में, जितना छूटा हुआ है वो सब बोझ, वो सब बोझ है। तो आपका छूटा हुआ यानी संपादित हुआ हो या ना हुआ हो, तुम किसी से मिल पाए या नहीं मिल पाए, मिल पाए तो अच्छे से मिले या नहीं मिले, अच्छे से मिले तो वो तुम्हें याद करता है कि नहीं याद करता है, ये तमाम प्रकार के बोझ तुम्हारे कदमों की गतिशीलता को रोकते हैं। मनुष्य को मनोवेग से तुलना करना चाहिए, अपने मन की गति से चलने का प्रयत्न करना चाहिए, जो उसके लिए दुरा है लेकिन चलता रहे, एक झोंके की तरह निकले एक चले, बीत गया और जहाँ रुके, अगर मान लीजिए वो अपनी चर्चा चिंतन में कहीं पर है, कर्तव्यों का निष्पादन यदिश्री के साथ करें। और एक तथ्य तो बिल्कुल भूल जाइए, खासकर अब आप देखिए, आज किसी युवा से मिलें तो उसके दिमाग में क्या भरा हुआ है मालूम आपको, वो अपने भौतिक प्रस्तुतिकरण को, शरीर की प्रस्तुतिकरण को ही सबसे पहले समझता है कि मैंने प्रभावित किया कि नहीं किया। शरद जी, बहुत सारे लोग तो अपने सुंदर रूप को कुरूप बना लेते हैं इसलिए कि लोगों का आकर्षण जाए। मैंने देखा वो बीच से ऐसा काट लेंगे बालों को, ऐसा उठा लेंगे बालों को, मोर की तरह बन जाएंगे, रंग बिरंगे कपड़े पहन लेंगे, अजीब से सूखे हुए से जिनकी गालों में लाली नहीं है, यूं लचक से खड़े हैं आप उनको, बस वो सोचते हैं जो लोग मुझे देख रहे हैं यही मेरा रूप है। जाकर बात करिए, उसके मुंह से शब्द नहीं निकलता, उससे पूछिए और कैसे हैं आप, ठीक हूँ, भरा हुआ है मुँह में गुल्लक, कहीं वो नशा पान कर रहा है, ये कौन सा रूप है? क्या आप ये समझते हैं कि चलचित्र में दिखने वाले जिन स्वरूपों को आप देख रहे हैं वैसे ही स्वरूप यदि बना लेंगे तो आप वही हो गए क्या? आपके कर्म कैसे हैं? ठीक बात है, आपके दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ रूप लावण्य का चरम जो है वो कर्मों से ही जाना गया है। आप ईश्वर का गुणान गान इसलिए कर देते हैं उनके एक एक स्वरूप का, क्योंकि उनके कितने सुंदर कर्म हैं परमात्मा के, लेकिन उनके आधार पर आपकी बात से एक बड़ा छोटा सा प्रश्न मन में ये है कि जिसको भ्रम है वो खुश है और जो भ्रम में नहीं है देखिए वो पीड़ा से भरा है। खुश होना और खुश दिखने में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैंने देखा कि एक युगल जो है जब भी कहीं किसी सभा समारोह या उत्सव में मिलता है तो उन युगल ने ये तय कर रखा है कि वो एक सा कपड़ा पहनेंगे। परमात्मा की बड़ी कृपा है, धन यश है उनके पास, एक से रंग का कपड़ा पहनेंगे और आते हैं तो यूं हाथ में हाथ डाले हुए बाहर निकल कर आ रहे हैं और चल रहे हैं। युगल का अर्थ समझ गए ना, पति पत्नी निकल रहे हैं। उन्हें एकदम बातचीत करने में बड़ी शैली, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये तो बड़ी शुभता का संदेश दे रहे हैं, बड़े शांत हैं, बड़े आनंद है। मैं उनके घर में पहुंचा, मैंने सोचा इनसे यानी चर्चा की जाए, भेंट वार्ता अच्छा लगेगा, एक लक्ष्मी नारायण से मेरी मुलाकात होगी। घंटी में हाथ देने के पहले ही मुझे अंदर से इतना शोर सुनाई पड़ रहा था दोनों का कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं प्राण दे देंगे क्या एक दूसरे से लड़ लड़ के। तो वो केवल भास बने हुए हैं बाहर निकलने के लिए। इनके जीवन में लोग क्या कहेंगे का प्रभाव है। बिल्कुल सही कहा, ये लोग क्या कहेंगे कि परिणति में चलने वाले लोग हैं। तो आप एक चिंतन समझिए, ये बहुत सुंदर और सीधी सी बात है। आप यदि तृप्त हैं तो आप प्रदर्शित नहीं करेंगे,
और अगर आप प्रदर्शित कर रहे हैं इसका मतलब आप अतृप्त हैं और केवल एक भास का निर्माण करने के लिए कर रहे हैं। जैसे प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर, आत्मीयता किसी से प्राप्त करने की विषय वस्तु नहीं होती, आप प्राप्त नहीं कर सकते, आदमी दे देता है, आप दे देता है। बिल्कुल वैसे ही आप ध्यान रखिए, रूप स्वरूप का कोई चिंतन नहीं। कभी आपने तुलसी के रूप की प्रशंसा कहीं सुनी, कभी आपने कबीर के बारे में कहीं सुना, ऐसा रूप स्वरूप होता तो उन सूरदास के हृदय में साक्षात परमात्मा ना बसते, उसकी गोद में ना खेलते। बहुत सुंदर बात उसकी है, गोद में ना खेलते परमात्मा। इसी बिंदु पर हम विराम देंगे इस चर्चा को, कि ये प्रश्न हम पहले भी खड़ा करते रहे हैं कि लता मंगेशकर और ऐश्वर्या राय में सुंदर कौन है। हो सकता है आपको आश्चर्य हो कि लता मंगेशकर जी के पक्ष में अधिक वोट पड़े, क्योंकि स्वरूप है जो आपका गुण है महत्वपूर्ण वो है। बहुत सुंदर उत्तर दिया जब मैंने गोस्वामी जी से पूछा कि कुछ लोग भ्रम में हैं और कुछ लोग क्या सच्चाई जानते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि कुछ लोग दिखावा करते हैं। बहुत संक्षेप में बहुत कम अपनी बात इसलिए पूरा करूंगा कि आपने एक बड़ा तर्क दे दिया। लता मंगेशकर और जिस अभिनेत्री का आपने नाम लिया, कोई भी अभिनेत्री हो उसमें सुंदर कौन है? सुंदर दोनों हैं। दोनों क्यों सुंदर हैं? यदि वो अपने स्वरूप में स्थित हैं, अपने अपने कृत में, एक अभिनेत्री बहुत अच्छा अभिनय करके सहज जीवन जिता रही है तो सुंदर है वो। एक व्यक्ति, एक भीख मांगने वाला व्यक्ति यदि आपसे भिक्षा मांगने आपके घर में आया हुआ है और भिक्षा लेने के बाद आपको नमस्कार करते हुए अंतर्मन से धन्यवाद देते हुए जा रहा है, वो भी सुंदर है, वो अपने कर्मों का निष्पादन कर रहा है। बिल्कुल, ये तो एक थोड़ी दार्शनिक व्याख्या हुई, लेकिन मैं फिर आऊँगा मुद्दे पर कि एक सन्यासी हमें सुंदर क्यों लगता है, या हमारे दादाजी जो बहुत प्रसन्न रहते हैं, युवा उनके साथ सबसे अधिक समय बिताना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपने सफ़ेद बाल या गले तक लटकी त्वचा या उनको अभिनेताओं की तरह उसको छिपाने के लिए मफलर बांधने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी बनियाइन में भी, घर में अपनी धोती में भी बैठे हैं, लेकिन उनका बातचीत का स्वर, आप कहते हैं दादाजी कितने डैशिंग लगते हैं, चांदी की तरह चमकते हैं बाल, तो दरअसल गुण की बात है, आपके भीतर के तत्व की बात है। आप ही उलझन में पड़े हैं, मेरी नाक कैसी है, किसी ने मुझे क्या कह दिया था, कुछ नहीं। आप अपने स्वरूप को पहचानिए, जैसा प्रोफेसर साहब ने हमें कहा, और प्रसन्न और प्रमुदित हो जाइए, और यातनाओं की इस गठरी, वही जो बात उन्होंने कही कि जो तुरंत करना है तुरंत करिए, जिसको तुरंत त्यागना है तुरंत त्यागिए, जिसको तुरंत आत्मसात करना है तुरंत आत्मसात करिए, ये गठरी क्यों है हमारे कंधों पर। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ, अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ मिलेंगे।